हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैकर सब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सीएसएस, जिसको जाना जाता है कास्केडिंग स्टाइल शीट के नाम से। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसे आपको क्यों सीखना चाहिए, तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो एचटीएमएल की जो मैंने वीडियो बनाई थी पिछली, आपको अगर एचटीएमएल नहीं आती है और आप अगर सीएसएस की इस वीडियो पर आए हैं, तो सबसे पहले आपको एचटीएमएल आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एचटीएमएल सीखिए, उसके बाद सीएसएस में मूव करना, ठीक है। तो सी एस एस की जरूरत, सी एस एस होता क्या है कि एच टी एम एल के टैग से यू कैन डिस्क्राइब योर कंटेंट ऑन दी वेब पेज। आप अपने कंटेंट को डिस्क्राइब तो कर सकते हैं, मगर उसको स्टाइलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने कोई कंटेंट लिखा, जैसे मैंने कोई लिंक बनाई है और वो बीच में कहीं शो, एक रो में, जो भी एच टी एम एल का कंटेंट होता है, अगर आप सिर्फ टैग्स को यूज़ करेंगे तो वो एक रो में चलता रहेगा नीचे तक, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे एच वन जो बीच बीच में कहीं पड़ा हुआ है वो राइट में शिफ्ट हो जाए, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, टॉप राइट में या बॉटम में आ जाए, कहीं पे भी कुछ भी आ जाए, तो वो सब जो होता है वो स्टाइलिंग जो भी होती है, बैकग्राउंड कलर जो भी बला बला, जो भी चीज़ आपने अपने वेबसाइट में आपका अट्रैक्टिव बनाती है, कलर बैकग्राउंड जो भी इफेक्ट वगैरह होते हैं, तो वो सी एस एस आप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं सी एस एस की इस वीडियो सीरीज में, ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो सबसे पहले एच टी एम एल का यही फाइल हम कोड करेंगे इसको। तो मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं फोल्डर खोल लेता हूँ अपना एच टी एम एल का। लाइव सर्वर मैंने पहले बताया था आपको, लाइव सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है आपके विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एच टी एम एल के कुछ टैग्स ले लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं अपना आपको एच टी एम एल बताया था कि आप एच टी एम एल में कैसे क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको एच टी एम एल नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए बेकार ही है। सबसे पहले आप एच टी एम एल सीख लिए। सबसे पहले एच टी एम एल का टैग हो गया, उसके बाद हेड बताया था, और हेड के बाद आपको एक टैग चाहिए, बॉडी का टैग, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने टाइटल डिस्क्राइब कर सकता हूँ, हैकर सब, रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे हैकर सब आ गया है। तो अब सी एस एस की बात करते हैं। सी एस एस तीन टाइप्स की होती हैं। आप अगर आप चाहें तो सी एस एस को इनलाइन में क्या होता है कि आपको टैग्स के अंदर डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर टैग का जो भी स्टाइलिंग है वो क्या है, तो उसको बोलते हैं इनलाइन सी एस एस। अगर आप हेड में, मैंने बताया था जो भी फालतू की चीज़ होती है वो हेड में ही होती हैं, हेड में अगर आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो स्टाइलिंग सिंपली आपको स्टाइल टैग को यूज़ करना है, और इसके अंदर आप, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं स्टाइलिंग इस टाइप के। और जो तीसरा वे है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस फोल्डर में जाइए और यहाँ पे एक और फाइल बना लीजिए, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सी एस एस। तो तीन टाइप्स की सी एस एस होती हैं। एक होती है इनलाइन सी एस एस, जो कि आप, जैसे मैंने यहाँ पे एक H1 टैग बनाया, H1 हेलो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर रेड हो जाए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको इस H1 को हमें करना है रेड कलर का। तो सबसे पहले हम इंटरनल CSS में देख लेते हैं। इंटरनल CSS में आपको जो हेड के अंदर स्टाइलिंग के जो क्लोजिंग और ओपनिंग टैग है, इसके बीच में उस H1 को जो भी प्रॉपर्टी वगैरह देना है वो देना है, ठीक है। तो मेरा H1 जो CSS की जो प्रॉपर्टी होती है सेलेक्टर पे काम करता है। सेलेक्टर क्या होता है, जो भी टैग्स होते हैं, ये टैग हो गया H1, तो ये मेरा H1 सेलेक्टर हो गया। अगर मेरे पास इसकी कोई क्लास है तो क्लास सेलेक्टर हो गई, अगर ID है तो ID सेलेक्टर हो गई। वो ID वगैरह जो भी हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कैसे काम कैसे करता है। तो H1 की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग टैग, ठीक है, सिंपली कलर, और यहाँ पे मैं देता हूँ इसको रेड, और ये रेड हो गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनलाइन सी एस एस, इंटरनल सी एस एस। इनलाइन सी एस एस में यहाँ पे मुझे इसको ब्रीफ करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो भी मेरे को कलर चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर, और यहाँ पे रेड, तो ये अभी फिर रेड हो गया। तो इसको बोलते हैं इनलाइन सी एस एस। और अगर मैं यहाँ पे
अलग से एक फाइल बनाऊँ, जब मैं वेबसाइट बनाऊँगा बड़ी बड़ी, तो फिर एक बहुत सारे CSS के मेरे को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, किस हेड का क्या कलर होगा, क्या उसका विड्थ होगा, क्या पैडिंग होगा, वो सब हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। मगर अलग से एक फाइल बना के आप कैसे कर सकते हैं, जैसे H1 है टैग मेरा और कलर ब्लू, ये अभी चेंज नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने इसको लिंक नहीं किया है, इस स्टाइल शीट से इस HTML5 को लिंक नहीं किया है। तो फिर से जितने भी फालतू की चीज़ें होती हैं वो इसी के अंदर होती है, हेड के अंदर। हेड के अंदर मैं करता हूँ लिंक, मेरी स्टाइल शीट है ये कास्केडिंग स्टाइल शीट, मैं इसको दे देता हूँ इसका पाथ style.css, ठीक है। अब ये अभी भी ब्लू इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ तो ब्लू दे रखा है, मगर इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ब्लू दे रखा है। तो ये प्रायोरिटी वाइज होती है, इनलाइन CSS की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा तो नहीं, मैं अभी बताता हूँ कि कैसे फ़र्क पड़ेगा इस पर। देखो, अगर मैं पहले इसको मैं रफ़ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ये ब्लू हो गया, ये कोड एग्जीक्यूट हो गया मेरा, ये जो था इसकी वजह से, ये जो 6 नंबर पे लाइन है इसकी वजह से ये ब्लू हो गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और स्टाइल, दोबारा स्टाइल दे दूँ इसको, तो फिर ये जो भी मैं इसके मतलब लाइन वाइज लाइन चलता है, ठीक है। 6 पे अगर रेड कर दिया और 7 पे ब्लू कर दिया तो वो ब्लू रहेगा। फिर से अगर आप 18वें पे आके इनलाइन CSS में जो भी आप फाइनल दोगे तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के CSS आप लिंक कर सकते हैं अपनी HTML फाइल से। सेलेक्टर्स के बारे में बताया, सेलेक्टर कैसे काम करते हैं, ये जो H1 है यहाँ सेलेक्टर है, ये कलर प्रॉपर्टी है और ब्लू वैल्यू है, ठीक है। तो आगे हम बाकी की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।